जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का। आज के अध्याय में आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण सांब संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि के बारे में। राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा ऐसा कर्म करे जिससे उसे दुख ना हो और मनोवांछित फलों को भी प्राप्त कर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर ले और मुक्ति भी प्राप्त कर सके, कृपया आप इन सभी का वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है, मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती, अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियां पीड़ित ना कर सकें और फिर इस संसार में जन्म न हो अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से और उनकी आराधना करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल भी प्राप्त कर सकता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं कि देवता है ही नहीं, फिर विशिष्ट देवता भला किन्हें समझा जाए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने फिर कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते, शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध माना गया है। सांब ने फिर से कहा, पिताजी, फिर जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट और अभीष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन कीजिए, अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन करें। श्री कृष्ण कहने लगे, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य नारायण ही है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युग और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भू, भुवः, स्वः, ये सभी लोक और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूत ग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। ये संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से यहाँ पर अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से ये सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत का अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न कभी हो सकेगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है और ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता वत्स। इसलिए दिवाकर, गुणाकर सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्य मंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं उनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है, और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता हो तथा ऐसा समझ कर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन और जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम
इस संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक कोई भी दुख प्राप्त नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख भी प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथा विधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। वत्स, इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का कोई और उपाय है ही नहीं। इसके बाद श्री सूर्य नारायण के नित्यार्चन का विधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांब, अब हम सूर्य नारायण के पूजा का विधान बताते हैं, जिसके करने से संपूर्ण पाप और विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी के तट पर जाकर आचमन करना चाहिए। फिर सूर्योदय के समय मृतिका का शरीर पर लेपन अर्थात मिट्टी का शरीर पर लेपन कर स्नान करें, पुनः आचमन कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सप्ताक्षर मंत्र अर्थात खखोल काय स्वाहा ये सूर्य भगवान को अर्ध दे। फिर हृदय में मंत्र का ध्यान करें और सूर्य मंदिर में जाकर सूर्य देव की पूजा करें। सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक पूरक, रेचक और कुंभक नामक प्राणायाम कर वायवी और आग्नेयी, महेंद्री और वारुणी धारणा करके भूत शुद्धि की रीति से शरीर का शोषण, दहन, स्तंभन और प्राप्तवन करके अपने शरीर की शुद्धि कर ले। फिर अपने शुद्ध हृदय में भगवान सूर्य की भावना कर उन्हें प्रणाम करें। स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में उपन्यस्त करें। ओम खह स्वाहा हृदयाय नमः, ओम खं स्वाहा शिरसे स्वाहा, ओम उल्काय स्वाहा शिखाय वशत, ओम याय स्वाहा कवचाय हम, ओम स्वाम स्वाहा। इन मंत्रों से अंग न्यास कर पूजन सामग्री का मूल मंत्र से अभिमंत्रित जल द्वारा प्रोक्षण करें। फिर सुगंध आदि पुष्पादि उपचारों से सूर्य भगवान का पूजन करें। सूर्य नारायण की पूजा दिन के समय सूर्य मूर्ति में और रात्रि के समय अग्नि में करनी चाहिए। प्रभात काल में पूर्वाभिमुख अर्थात पूर्व की ओर मुंह करके, सायं काल में पश्चिम की ओर मुंह करके और रात्रि में उत्तर की ओर मुंह करके पूजन करने का विधान है। ओम खकोल काय स्वाहा इस सप्ताक्षर मूल मंत्र से सूर्य मंडल के बीच षटदल कमल का ध्यान कर उसके मध्य में सहस्त्र किरणों से दैदीप्यमान भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति का ध्यान करें। फिर रक्त चंदन, करवीर आदि रक्त पुष्पों, धूप दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्राभूषण आदि उपचारों से पूजा करें अथवा रक्त चंदन से ताम्र पात्र में षटदल कमल बनाकर उसके मध्य में सभी उपचारों से भगवान सूर्यनारायण का पूजन करें। छहों दलों में षडंग पूजन कर उत्तर आदि दिशाओं में सोम आदि आठ ग्रहों का अर्चन करें और फिर अष्ट दिक्पालों तथा उनके आयुधों का भी सभी दिशाओं में पूजन करें। नाम की आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति युक्त करके अंत में नमः कहे, जैसे ओम सोमाय नमः इत्यादि। इस प्रकार नाम मंत्रों से सबका पूजन करें। फिर व्योम मुद्रा, रवि मुद्रा, पद्म मुद्रा, महाश्वेत मुद्रा और अस्त्र मुद्रा दिखाएं। ये पांच मुद्राएं पूजा, जप, ध्यान, अर्घ आदि के समय दिखानी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक भक्ति पूर्वक तन्मयता के साथ भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी मिल जाती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त कर लेता है, राज्य भ्रष्ट को राज्य मिल जाता है, पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है और सूर्य नारायण का पूजन करने वाला पुरुष प्रज्ञा, मेधा तथा सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी हो जाता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्याओं को उत्तम वर की, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इस प्रकार सूर्य भगवान का पूजन करने से धन,
धान्य, संतान, पशु आदि की नित्य अभिवृद्धि होती है। मनुष्य निष्काम हो जाता है और अंत में उसे सद्गति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।